नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन और पाकिस्तान की दवाई 24 मिराज 2000 को प्रधानमंत्री मोदी और एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने का ऐलान कर दिया गया है। सेना, वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। एक बार फिर से वायुसेना, आपको बताएंगे कैसे मिराज 2000 से एयर स्ट्राइक किया गया था पाकिस्तान के जले पे नमक छिड़कने का ऐलान कर दिया है भारतीय वायुसेनाओं ने। इसके बारे में आपको बताएंगे, पलक पकते कैसे फिर से पाकिस्तान पर हो गई एयर स्ट्राइक और पीओके में तालिबानी और आतंकी पलक झपकते होंगे साफ इसके बारे में। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, भारत के खिलाफ चाइना और पाकिस्तान के खतरनाक परमाणु करार, दुनिया में बढ़ेगी हथियारों की होड़, इजरायली विशेषज्ञों ने भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये जानना जरूरी, और भारत ने आखिर इसके खिलाफ कौन सी तैयारी कर दी है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल भारतीय वायुसेना आईएफ के लड़ाकू विमानों के बेड़े में जल्द ही पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को धूल में मिलाने वाले मिराज 2000 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। इंडियन एयरफोर्सेस चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को अपने पुराने बेड़े को मजबूत करने और दो मौजूदा स्क्वाडनों को सुरक्षित भागों को बेहतर स्थिति में लाने के प्रयास में 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का सौदा किया है। इस विमान को उसी डेसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया है जिसने भारत के लिए राफेल लड़ाकू विमान बनाए गए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आईएफ ने लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो यानी लगभग 233 करोड़ रुपए का अनुबंध किया हुआ है। इन 24 लड़ाकू विमानों में 8 उड़ने के लिए तैयार स्थिति में हैं। जानकारी के मुताबिक इस विमान सौदे में एक लड़ाकू विमान की कीमत लगभग 1.125 मिलियन यूरो यानी लगभग 10 करोड़ रुपए है, और यह विमान जल्द ही कंटेनरों में भारत भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, 2019 में बालाकोट ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने वाले आईएफ के 35 वर्ष पुराने लड़ाकू विमान मिराज को अपडेट कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि इसके लिए 300 महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स की तत्काल आवश्यकता, और फ्रांस में यह विमान प्रचलन से बाहर हो रहे हैं। ऐसे में इन विमानों के सौदे में भारतीय एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के बेड़े को मजबूती मिलेगी। इन 24 लड़ाकू विमानों में 13 के इंजन और एयर फ्रेम बेहतर स्थिति में हैं, जिनमें से 8 लगभग आधा स्क्वाडन सर्विसिंग के बाद उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहीं 11 लड़ाकू विमान फ्यूल टैंक और इजेक्शन सीटों के साथ आंशिक रूप से तैयार है, जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान के 2 मौजूदा स्क्वाडनों को मीडियाफिकेशन के लिए किया जाएगा। दरअसल आईएएफ ने 1985 में लगभग 50 चौथी पीढ़ी के मिराज 2000 सी और बी लड़ाकू विमानों को एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के साथ खरीदा था, जो कॉन्ट्रैक्ट 2005 में समाप्त हो गया था। इसके बाद 2015 और 16 में फ्रांसीसी मूल उपकरण निर्माता के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जिसके बाद 2015 में भारत को अपग्रेड मिराज 2000 लड़ाकू विमान मिले जो नए रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस थे। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एयरफोर्स के बेड़े में शामिल 24 मिराज 2000 विमान शामिल होने जा रहे हैं, और इसे अपग्रेड कराकर भारतीय वायुसेना ने एक तरीके से पाकिस्तान के पेट में दर्द दे दिया है। दरअसल आखिर क्यों खास है ये 2000 लड़ाकू विमान मिराज जो है? मिराज 2000 की खासियत यह है कि 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। डबल इंजन वाला यह विमान 13,800 किलोग्राम गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। चौथी पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान ने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल 9 देशों की सेनाएं करती हैं। इस लड़ाकू विमान में 2 इंजन होने की वजह से एक के फेल होने की स्थिति में दूसरा इंजन काम करता रहता है, और इसमें विमान के क्रैश होने की संभावना बेहद कम हो जाती है। यह विमान हवा में दुश्मन को खत्म करने की क्षमता रखता है, साथ ही ये भारी मात्रा में एक साथ बमबारी और मिसाइल अटैक कर सकता है। इस लड़ाकू विमान में DEFA 554 ऑटो कैन लगे हुए हैं, जो 30 मिलीमीटर रिवॉल्वर प्रकार में तोप से लैस हैं। ये तोप एक मिनट में 1800 गोलियां दाग सकता है। साथ ही ये विमान आसमान से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, आसमान से आसमान में मार करने वाली मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइलें और परमाणु बम से लैस क्रूज मिसाइलों को ले जाने की भी क्षमता रखती हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि यह खतरनाक मिसाइल और 24 मिराज का अपग्रेड होना ये पाकिस्तान के लिए करारा झटका और भारतीय वायुसेनाओं के एक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है।
इस बीच एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान और चीन का परमाणु करार हुआ है। दुनिया में एक तरीके से हथियारों की होड़ बढ़ रही है। इजरायली विशेषज्ञों ने भारत के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। पाकिस्तानी परमाणु ऊर्जा आयोग PAEC और चीन के झांजेंग इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए इसी माह एक समझौता किया। इस समझौते से क्षेत्र में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ने की आशंका जताई गई। इजरायली विशेषज्ञ फेबियन बसार्ट ने भारत के लिए इसे खतरनाक समझौता बताया। द टाइम्स ऑफ इसराइल में प्रकाशित अपने लेख में बसार्ट ने कहा है कि समझौता भारत के लिए चिंता और चुनौतियां पैदा कर सकता है। चीन व पाकिस्तान ने इसी 8 सितंबर को यह समझौता किया है। इसकी रूपरेखा 20 अगस्त को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में बनाई गई थी। समझौता 10 साल के लिए वैध होगा और इसके तहत पाकिस्तान में परमाणु प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, यूरेनियम का खनन और संवर्धन, परमाणु ईंधन की आपूर्ति और अनुसंधान रिएक्टरों की स्थापना की जाएगी। इस समझौते को चीन के लिए पाकिस्तान में हथियारों का नया जखीरा तैयार करने की रणनीति माना जा रहा है और यह भारत के लिए चिंता की बात हो सकता है। समझौते में पाकिस्तान के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और रखरखाव के लिए चीन के व्यापक सहयोग की शर्तें भी समझौते का हिस्सा है। पाकिस्तान में 4 नए परमाणु संयंत्र तैयार किए गए हैं। इनमें 2 कराची और 2 मुजफ्फरगढ़ में हैं। इन्हें चीन की तकनीकी व सहयोग से तैयार भी किया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं और पाकिस्तान में 4 नए परमाणु संयंत्र तैयार किए गए हैं। तो अपने आप में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना जो है भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है और परमाणु एक तरीके से घर वो तैयार कर रहा है और परमाणु घर तैयार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि भारत इसके तोड़ भी निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि भारत तोड़ के मुताबिक प्रद्युम्न इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण भारत भी लगातार कर रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि भारत एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी कर रहे हैं और अभी हाल ही में 23 सितंबर को होने वाला खास करके अग्नि 5 मिसाइल भी इसी कड़ी में एक बड़ा कदम है। लेकिन आपको बता दें कि एक प्रद्युम्न मिसाइल भी इंटरसेप्टर है जो खास करके एक तरीके से भारत का DRDO डेवलप कर रहा है और इस बैलिस्टिक मिसाइल इसे डेवलप करने के बाद ये किसी भी इस तरीके के खतरनाक सिस्टम को अपने रडार में ले सकता है और इसका एक तरीके से कहीं ना कहीं इसको हवा में ही ध्वस्त कर सकता है। तो ये भारत भी लगातार अपनी तैयारी जो है वो जारी रख रहा है और आने वाले समय में देखने की बात होती है कि आखिर क्या कुछ इससे एक अलग हो पाता है, क्योंकि तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं कर चला हुआ है। भारत को मिटाने की चाह जो है वो पूरी तरीके से कर रहा है। तो इसके बारे में हमने आपको बताया। इस बीच दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें।